एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी जयपुर से पांचवें रोजगार मेले का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे नियुक्ति पत्र का वितरण। कार्यक्रम की शुरुआत देश भर में अलग अलग जगहों पर होगा। ये कार्यक्रम आयोजित जयपुर बिरला सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन होगा। 22 राज्यों में 45 केंद्रों पर आयोजित होगा ये मेला आयोजन। देश भर में 71,000 चयनितों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र, जिसके अंदर प्रधानमंत्री वीसी के जरिए जुड़ेंगे। जयपुर स्थित बिरला सभागार में करीब 230 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र मिलेंगे। आपको बता दें कि समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर, वो यहाँ मौजूद होंगे। पांचवें रोजगार मेले का आयोजन 22 राज्यों में होगा। देश भर में 71,000 चयनितों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जयपुर बिरला सभागार में 230 लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे नियुक्ति पत्र। और आपको बताएं, इस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर शामिल होंगे। तो पांचवें रोजगार मेले का आयोजन होगा जयपुर स्थित बिरला सभागार में आयोजन होगा, जिसके अंदर बीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। बाईस राज्यों में 45 केंद्रों पर होगा। देश भर में 71,000 चयनितों को ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे नियुक्ति पत्र देने का ये पूरा कार्यक्रम। देश भर में अलग अलग राज्यों में ये कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पांचवें रोजगार मेले का आयोजन, पीएम मोदी करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। चलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपकी जनरेशन जो कि साक्ष्य इकट्ठा करती है, एविडेंस बेस्ड चीजों को देखती है, उसको जरूर समझे कि हम कहां पर हैं। और आप अपनी ताकत पहचानिए। जिस दिन स्टार्टअप्स का सिस्टम शुरू हुआ था, वी हैड 428 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, 428 स्टार्टअप्स थे उस दिन। आज आप पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं स्टार्टअप्स के अंदर, जो कि, और ताली इसलिए बजाई कि ये तीसरा नंबर आपका इसलिए है कि इतने यूनिकॉर्न्स आपके हैं कि आप तीसरे नंबर पर हैं। और अगर रोज खुलने का अगर आप आंकड़ा देखें स्टार्टअप्स का, आप नंबर एक हैं जिसके यहां रोज कोई ना कोई स्टार्टअप खुलता है। ये हमारे युवा वर्ग की ताकत है, क्योंकि आज आप कुछ भी अगर करेंगे, सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं है, आप कुछ भी करना चाहें तो आपके पास अलग अलग चीजें मौजूद हैं जिससे कि आप वो कर सकते हैं। एंड दैट इज द स्ट्रेंथ दैट यू शुड काउंट ऑन। आज जब हम अलग अलग लोगों के लिए नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ को और भी याद रखिएगा कि इसके साथ साथ कर्मयोगी प्रारंभ का जो एक पोर्टल है, जिसके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स के अंदर आपको तैयार करने के लिए चीज़ें रखी गई हैं, उसको ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा। आपको अपना काम करने के अंदर मदद मिलेगी, ताकि हम और आगे अच्छा काम करके दिखा सकें। क्योंकि ये जो संस्कृति है सरकार के अंदर काम करने की, ये आपके द्वारा बदली जाएगी। पुराने लोगों के तो जो संस्कृति थी वो वैसी रहेगी, लेकिन आपके कारण संस्कृति बदलेगी, आपके कारण कल्चर बदलेगा, आपके कारण चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और वही देश को चाहिए। क्योंकि हम सबकी इच्छा यही है कि आगे आने वाले दिनों में देश सबसे आगे चले, देश के अंदर और चीज़ें ऐसी हों जिससे कि हमारे नवयुवकों को और नवयुवतियों को और मौके मिलें, और हम वो सब कुछ कर सकें जो हम बाहर के देशों में देखते। आज आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, जिस तरीके से
ट्रेन्स के अंदर अच्छी ट्रेन्स हो रही हैं, जितने हवाई अड्डे बन रहे हैं, वो सब एक उस तस्वीर की तरफ दिखाता है जिसमें आप अगले आने वाले दिनों में रहेंगे और उसके अंदर आपका योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे आशा है कि आप अपना नाम कमाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय जी। तो 22 राज्यों में 45 केंद्रों पर आयोजित होगा ये मेला आयोजन, पांचवें रोजगार मेला का आयोजन। देश भर में 71,000 चयनितों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। आपको बता दें इस आयोजन में वीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे 230 अभ्यर्थियों। केंद्र सरकार में मेरे साथ मंत्री रहे जयपुर ग्रामीण के बहुत ही लोकप्रिय सांसद मेरे छोटे भाई राजेंद्र राठौर जी, जयपुर के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई रामचंद्र बोहरा जी, डाक विभाग के उप महानिदेशक श्री दुष्यंत मुदगल जी, जयपुर नगर मंडल प्रवर अधीक्षक डाकघर श्रीमती प्रियंका गुप्ता जी, इस समारोह में उपस्थित सभी अधिकारीगण, अतिथिगण, पत्रकार और छायाकार मित्रों और सफल हुए सभी अभ्यर्थीगण, मुझे आज आपके बीच में आकर बहुत खुशी हो रही है। अभी 13 अप्रैल को इसी तरह एक कार्यक्रम में जिसमें 70,000 नए नियुक्तों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे, मुझे जम्मू जाने का मौका मिला। और जब मैं ऐसे सफल हुए अभ्यर्थियों के बीच में जाता हूं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखता हूं तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से मुकाम हासिल किया है। मैं हमेशा कहता हूं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत। आप लोगों ने संकल्प के साथ कड़ी मेहनत की, इसलिए आप सफल हुए। आपको एक बार पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इसे मुझसे पहले तिवारी जी ने कहा, ना सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, ये मैं नहीं कहता, ये अमेरिका की जो सर्वे एजेंसी है जो हर साल सर्वे कहती है, ये उसका कहना है कि आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और ये मुकाम उन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया, उसके पीछे कारण है, सोच है, उनकी सोच देश पर था, इसलिए वो दुनिया के लोग। मित्रों, सौभाग्यशाली हैं इस चुने हुए सभी नए अभ्यर्थी कि उनको देश के लिए अमृत काल में सेवा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि देश जब आजादी का 100वां साल मनाएगा 2047 में, उसके आप सब साक्षी होंगे और आपका योगदान उस विकसित भारत का सपना जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसको साकार करने में आपकी अहम भूमिका रहने वाली है। इसलिए आपके कंधों पर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, क्योंकि पूरी नौकरी आपने अमृत काल में कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी लगन से, मेहनत से, कार्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो सपना निश्चित तौर पर साकार होगा जिसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 में अपने भारत को हमने विकसित भारत बनाना है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। तो इस मौके पर सारी बातें विस्तार से कही,
चाहे सुकन्या समृद्धि योजना की बात, चाहे डिजिटल डाक की बात हो, चाहे हर गांव को बिजली से जोड़ने की बात हो, हर सौभाग्य योजना से हर घर को बिजली देने की बात हो, पिछले 9 सालों में आज भारत के पास इतनी बिजली है कि हम कई देशों को भी बिजली बेचने का काम आज हम कर रहे हैं, देने का काम। आज गांव में बिजली जो 10-12 घंटे आती थी आज 20-22 घंटे आती है, शहरों में 23 से 24 घंटे बिजली आती है। मतलब वन नेशन वन बिजली। तो देखिए, देश भर में 71,000, जयपुर में करीब 230 अभ्यर्थियों को मिलेंगे पत्र। 10:30 बजे VC के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरविंद पालावत हमारे साथ। अरविंद, क्या कुछ जानकारी? पांचवें रोजगार मेले का आयोजन, प्रधानमंत्री भी जुड़ेंगे, और कौन इस पूरे रोजगार मेले में शामिल होगा? जी बिल्कुल, देखिए देश भर में 5वां रोजगार मेला आयोजित हो रहा है और जयपुर के बिड़ला सभागार में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पहुंचे हुए हैं। गच्छाम तिवाड़ी राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद रामचरण बोहरा, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ है वो यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर सैकड़ों जो अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जिन्होंने नव चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। और अभी जो समारोह है बिड़ला सभागार में चल रहा है, सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो तमाम अतिथि हैं जो जयपुर पहुंचे हैं उनका यहाँ पर संबोधन हो रहा है। कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री है उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि आने वाले समय में 2047 तक हमें भारत को विकसित देश बनाना है, तो विकसित देश बनाने के लिए हमें तमाम जो प्रयास है वो यहाँ पर करने चाहिए ताकि हमारा देश जो है 2047 तक विकसित देश बने। इसके साथ ही उन्होंने जो नव चयनित जो अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं उनको कहा कि वे अमृतकाल के अंदर जो है अपनी जॉब है वो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए होगी क्योंकि देखिए अमृतकाल चल रहा है और ऐसे में 2047 में आने में जो समय बचा हुआ है और इस समय के दौरान भारत को तेजी से काम करना होगा और उसके अंदर जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, गवर्नेंस है, सभी को खुलकर के और अच्छे तरीके से जो है काम यहाँ पर करने की आवश्यकता उन्होंने कही है। साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के भी अलग अलग जो जिक्र है वो यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरह की योजनाएं हैं, उनका कैसा जो लाभ है वो यहाँ आम आदमी को मिल सकता है। इसके साथ ही जो अन्य जो अतिथि हैं उसमें यदि बात करें घनश्याम तिवाड़ी, तो उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है उसके तहत देश ऐसा काम कर रहा है कि पड़ोसी मुल्क भी कह रहे हैं कि हमें मोदी जैसा नेता चाहिए। पाकिस्तान के हालातों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि उनको मोदी जैसा कोई लीडर है वो यहाँ पर चाहिए। साथ ही लोकसभा के सांसद हैं कर्नल राज्यवर्धन हो या चाहे रामचरण बोहरा हो, उनके ओर से भी यही कहा गया है कि केंद्र की जो तमाम योजनाएं उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ है वो युवाओं को लेना चाहिए और सभी जो युवा हैं जो यहाँ पर नियुक्ति पत्र लेकर के जा रहे हैं उनको यहाँ पर बधाई दी है। साथ ही कहा है कि आप मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है और दृढ़ संकल्प होकर के काम करने की बात जो है वो यहाँ पर कही गई है। जी जी अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अरविंद ने बताया किस तरह से एक अच्छी पहल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी 22 अक्टूबर 2022 को इस रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी और अब आज 5वां रोजगार मेले का आयोजन होगा। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में कृष्णपाल गुर्जर शामिल होंगे, तो 5वें रोजगार मेले का आज आयोजन होगा।